Assalamualaikum, welcome to GFXMentor. मैं आपका टीचर इमरान और आज हम देखेंगे क्लास नंबर 6 और इस क्लास में क्या होगा. यस, प्रीसेट्स. जिस तरह से मैंने कहा था कि प्रीसेट्स हम बनाएंगे, इसको स्टोर करेंगे, किस तरह से हम दूसरे इमेजेस पर वो प्रीसेट्स अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हम वो प्रीसेट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं. वेलकम बैक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ज़ाहिर है कोई एक इमेज खोलेंगे और उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करेंगे एंड देन वो काम हम सेव करेंगे और हम उसको दूसरे इमेज पर अप्लाई करके देखेंगे. तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखते हैं. अच्छा जी, सो पहले तो ये एक इमेज देख लें. ये सिंपल सा बिल्ली वाला इमेज है और नॉर्मल सी बिल्ली है और इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं है. बस इसमें मैं थोड़ा सा कुछ मास्क वगैरह यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल सी कलर्स की, लाइट्स की और इस तरह की कुछ चीज़ें चेंज करूँगा. और मैं स्पीड में चला दूंगा क्योंकि ये जो मैं करने वाला हूँ ये आप पहले देख चुके हैं, तो इसमें कोई नया नहीं है. अच्छा जी, सो ये मैंने एक सिंपल सा, मतलब वही ब्लैक ब्राउन वाला, ब्राउन या ब्लैक ऑरेंज जो भी आप कह लें इसको, सारा कलर सेट किया. ये सेटअप मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास स्टोर हो जाए, मतलब ये एक प्रीसेट बन जाए. जैसे मैं किसी और इमेज पर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं सिंपली एक टैप करूँ और ये स्टोर हो जाए. सो बड़ा सिंपल सा काम है. जब आप अपना ये काम कर चुके हों तो आपको यहाँ इमेज पर, यहाँ पर ये दिख रहा है तीन डॉट्स वाला बटन, इस पर क्लिक करना है. यहाँ नीचे देखें इस जगह लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट प्रीसेट, इस पर आपने क्लिक करना है, इसका नाम दे देना है. सो जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे ये नाम आ जाएगा, शार्प ब्लैक ऑरेंज या ब्लैक ब्राउन कह लें तो ज्यादा बेहतर है. न्यू, मेरे पास पहले भी इसी नाम से एक सेव है इसलिए मैं न्यू कर रहा हूँ. इसको टिक लगाया. अच्छा, अब ये कहाँ गया? ये आपके पास प्रीसेट्स में स्टोर है. अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर दूसरा इमेज ऑन कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि जी यही प्रीसेट इसके ऊपर अप्लाई हो. सो ये वाला जो बटन है जिसमें दो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे, ये रहे आपके यूजर प्रीसेट्स. ये सारे वो प्रीसेट्स हैं जो मैं अपने पास बना के रख चुका हूँ. अभी जो मैंने ये बनाया था वो ये था, शार्प ब्लैक ब्राउन न्यू. मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ एंड वाला सब सेट हो चुका है. अच्छा, ये याद रखिएगा कि यार यही वाला प्रीसेट मैं किसी और इमेज पर अप्लाई करूंगा ना तो बहुत ही बुरा रिजल्ट आएगा, बिकॉज उसके सीन के एनवायरनमेंट में डिफरेंस था. जो हमने लास्ट क्लास में इमेज पे काम किया था उसमें अगर आप देखें ये वाला, इस पर मैं ये वाला अप्लाई करता हूँ प्रीसेट तो देखें क्या घटिया रिजल्ट आएगा. ये टोटली डिफरेंट चीज हो गई क्योंकि यार वो जो मैंने सेटिंग की थी उसके ऊपर डिफरेंट सिनेरियो, उसमें लाइटिंग डिफरेंट थी, उसमें कलर्स डिफरेंट थे. लेकिन हाँ, अगर मुझे इस वाले को अब एडजस्ट करना है तो फिर मुझे ये करना होगा. मैं इसको टिक लगा दिया और इसमें फिर मैं कुछ चीज़ें चेंज ज़रूर कर सकता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल मैं लाइट में जा रहा हूँ और लाइट से मैं ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सपोजर इसका बढ़ा रहा हूँ, कंट्रास्ट कम कर रहा हूँ, शेडोज को बढ़ा रहा हूँ, वाइट्स को और बढ़ा रहा हूँ. देख रहे हैं ओवरऑल बहुत ज्यादा अंधेरा मौजूद है ऑलरेडी. कर्व्स में जाकर के कुछ चीजें सेट कर रहा हूँ एंड आई थिंक ये जो डार्क किया हुआ था इसको थोड़ा कम करें. दैट्स इट. सो अब ये वाला उसी टाइप की सीन में आ चुका है. बट ऑब्वियसली याद रखिएगा कि कोई भी एक तरह का स्टाइल जो है या प्रीसेट जो है वो हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होता. सो मैं इसको वापस अंडू, अब अंडू भी नहीं हो रहा, बहरहाल मैंने तो ठीक ठाक आगे बढ़ गया था. याद रखिएगा कि जो वो प्रीसेट पिछला वाला था वो चला गया क्योंकि मैंने प्रीसेट सेव ही नहीं किया था. तो मेक श्योर कि जब आप कोई बहुत बड़ा चेंज करने लगे तो अपना प्रीसेट सेव कर लें या आपके वर्जन्स वाला एक ऑप्शन मैंने बताया था वो सेव कर लें. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है जी, हमने ये बना तो दिया, अब ये हम किसी को देना चाह रहे हैं, किसी दोस्त को देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जाएं उसी इमेज पर जिस इमेज का प्रीसेट आपको चाहिए और आपने ऑलरेडी इस पर अप्लाई किया हुआ है. नाउ देखें, लाइटरूम मोबाइल से आप डायरेक्टली प्रीसेट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बट आप एक काम कर सकते हैं, आप डीएनजी फाइल सेव कर सकते हैं भले से फिर आपने जेपैक के ऊपर अप्लाई किया हो. सो आप सिंपली ये करें कि एक्सपोर्ट पे जाएं और नीचे आ जाएं, बिल्कुल नीचे ये देख रहे हैं एक्सपोर्ट एज दिया हुआ है, इसके ऊपर जाएंगे और यहां से आपका बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है जेपैक या टिफ.
सही है, आपने सेलेक्ट करना है DNG और यहाँ ऊपर टिक लगा दे। अब ये आपकी DNG फाइल बन चुकी और वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि कहाँ शेयर करना है, किसके साथ। तो अगर आप अपने पास ही सेव करना चाह रहे हैं तो सेव इमेज कर दें, ठीक है। मैं यूजुअली सेव टू फाइल्स कर लेता हूँ। अगर किसी को ईमेल के थ्रू भेजना है या व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है, भेज दें आप, कोई मसला नहीं, एज अ डॉक्यूमेंट जाएगा। आई होप, मैं अभी किसी को भी नहीं भेजना चाह रहा, बट यस, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त करंटली इसको सेव टू फाइल्स कर रहा हूँ ऑन माई आईफोन। रॉ फाइल्स वाले फोल्डर में ही इसको नाम दे देते हैं, बिल्ली वाला, ठीक है जी, डन किया एंड यस, आपकी ये फाइल सेव हो चुकी। नाउ अब अगर मैं वापस आता हूँ अपने पास और ये इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, वी डोंट हैव इट, ठीक है। सो अब इस वाले पर मुझे दोबारा से अप्लाई करना है, क्या करूँ। तो पहले आप उस इमेज को लोड करेंगे, वही सिंपल सा तरीका, यहाँ पर जाएं, फ्रॉम फाइल्स एंड आईफोन पर और रॉ फाइल्स और बिल्ली वाला इमेज, इस पर क्लिक करा, ओपन करा, ये आपका इमेज यहाँ पर लोड हो जाएगा। नाउ इस DNG का फायदा ये है कि वो तमाम तर सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये फ्लैट इमेज नहीं है, जो सेटिंग्स आपने की हैं वो वहीं पर मौजूद हैं, DNG के अंदर स्टोर रहता है डेटा। अब यहाँ से सेव कर लें अपने पास प्रीसेट, या इवन ये भी कर सकते हैं कि कॉपी सेटिंग्स, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है कि जी क्रॉप हीलिंग वगैरह तो नहीं करना है, नहीं करना जी, हमें बस खाली एडजस्टमेंट्स करनी है। एंड आप जाएं अपने दूसरे इमेज पर, जैसे यहाँ पर आप आए और सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक किया, पेस्ट सेटिंग्स। बट याद रखिएगा, इसके लिए आपको हमेशा एक इमेज खोलना पड़ेगा फिर पेस्ट करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि एक बार इमेज खोलें, प्रीसेट सेव करें अपने पास, काम चलाएं, बेहतरीन। इस वाले इमेज में ये क्यों सही लग रहा है, बिकॉज इसमें भी सनलाइट थी, यानी धूप मौजूद थी, उस बिल्ली वाले इमेज में भी धूप मौजूद थी। आई होप इतना मसला नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ कुछ दिनों से मैं अपने ग्रुप के ऊपर देख रहा हूँ, जो मेरा GFXMentor नेशन ग्रुप है फेसबुक पर, उस पर बहुत सारे बच्चे अपना काम दिखा रहे हैं। मैं उन सब से ये कहूँगा, थैंक यू, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा काम करें। देखें, मैंने मोस्टली जो तस्वीरें देखी उसमें या तो बहुत ओवर एग्जैजरेटेड कलर्स आ रहे हैं या डिटेल्स ख़त्म हो रही हैं। हमारा मकसद यहाँ पर लाइटरूम मोबाइल में ये नहीं है कि हम किसी इमेज को बिल्कुल ही नेचर से हटा दें, नो, हमें इन्हेंस करना है, हमें डिटेल्स को इन्हेंस करना है, हमें कलर्स को अगर इन्हेंस करना है तो एक लिमिट में रियलिस्टिक रहते हुए, ऐसा ना हो कि वो कॉमिक बुक लगने लगे। तो मेक श्योर हल्का हाथ रखें तमाम इफेक्ट्स के ऊपर और अच्छे से काम करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।